बताना चाहूंगी। हम दोनों अकेले आए, हम दोनों अकेले, हमें अकेले छोड़ेंगे तभी तो। और महादेव जी को एंड करते हैं। हाँ जी, कहाँ जा रहे हैं? चैनल विच इज कुक एंड व्लॉग्स विद झा एंड वेलकम बैक टू आर अनदर व्लॉग विच इज ऑफ गलतेश्वर महादेव। यस, हम आए हैं गलतेश्वर महादेव, महादेव जी को भी दिखाएंगे। चलते हैं अंदर। एक्चुअली हुआ क्या, वो व्लॉग हमने वहीं एंड कर दिया जो कल आपने देखा। ये आज इसलिए डल रहा है बिकॉज बहुत ही लंबी वीडियो हो जाती है, फिर ना लोग बोर हो जाते हैं। इससे बेटर है स्प्लिट करके हम पार्ट्स में डालें, तो विदाउट एनी डिले जल्दी चलते हैं। ये हमारे हमने डायरेक्टली सूरत, अगर आप सभी भी सूरत आते, थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर दूं, सूरत आते हैं तो डायरेक्टली एक ऑटो बुक कर सकते हो आप जो यहाँ तक छोड़ देगा। हमने दो तीन जगह के लिए बुक किया है, आप सभी सिर्फ यहाँ के लिए भी आ सकते हो। तो 500 तो मिनिमम चार्ज लेगा ही हमसे। 800 एक्सपेक्ट किया था उन्होंने, मतलब डिमांड किया था, लेकिन हमें उससे ज्यादा देना पड़ा बिकॉज तीन चार जगह की वो खुद ही घुमाएंगे। हाँ, यस, तो चलते हैं, चलते रहते हैं। यस, तो ये है वे, है ना, एंट्री का। कोई नहीं, धीरे धीरे होगा। और बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, एकदम शांति। और ये रहे महादेव जी। एंट्रेंस के लिए टिकट विकट लेनी है क्या? पता नहीं, यहाँ से नहीं होगी। ये है पूरा कैंपस इसका एरिया। उधर मेरे ख्याल से कैंटीन है, जो कि फाफड़ा साफड़ा हम तोड़ने वाले हैं। और ये है मंदिर, ओम नमः शिवाय समझ में आ रहा है हमें, बाकी कुछ नहीं आ रहा है। माता पिता, हाँ बेटा, स्मृति भवन, कुछ कुछ तो गुजराती समझ में आ जाता है। महादेव जी हो रहे पीछे, तो ये एंट्री कर चुके हैं हम। टिकट टिकट यहाँ पे झूले भी रखे हुए हैं, और जब रश होता होगा आई थिंक तो अरेंजमेंट है यहाँ पे बैठने बैठने का भी। शूज भी बहुत धूप है। अब फैशन हो गया हम लोगों का बंद, सर पे रखेंगे चुन्नी, अब घूंघट पे हम दोनों आने वाले हैं, है ना। ये देखिए महादेव जी, और कहते हैं कि इनके, हाँ सही में, जो थी वो पर पर्सन 30 रुपीज है, 30 रुपीज पर हेड। तो चला जाए आगे, चलो यहाँ से स्टार्ट है मंदिर। अरे वह सीढ़ी भी है, मम्मी ऊपर जाओगी? नहीं, अलाउड नहीं होगा। ओके, तो नंगे पैर इतने धूप में चलना पड़ेगा? कोई नहीं है नंगे पैर। तो यहाँ से हम लोग, और धूप में चल रहे थे, ऐसा लग रहा है। पहले मैं शिव जी को दिखाऊं, सच में ऐसे लग रहा है जैसे कि गरम गरम तवे पे। हाँ चलो, शेड है तो थोड़ा सा राहत है। हाँ, और नंदी को भी धूप में कर रखा है, शेड लगा देना चाहिए ना मुन्नो। महादेव धूप में, महादेव तो देवों के देव है ना, नंदी बेचारे को तो कुछ। मत्था अब याद आया इस लड़की को, ठीक ना। ओ वाओ, सारे महादेव है, सर पे पल्ला रखे पहले हम ऐसे। यहाँ से मैं दर्शन कराने वाली हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरे ख्याल से आगे वीडियो अलाउड नहीं है अंदर, है ना, तो इसीलिए। और ये अंदर
यहाँ पे, यहाँ पर सारे ही ज्योतिर्लिंग है, जो सारे ज्योतिर्लिंग है उनके स्वरूप यहाँ पे रखे गए हैं। अभी कोई ना कोई आ जाएगा, इसीलिए मैं आप लोगों को जल्दी दर्शन करा देती हूँ। वहां तक है, ऐसे है, गुफा टाइप में है ये शिव जी के अंदर बने हुए। और एक भीमा शंकर जी इधर बैठे हैं, भीमा शंकर। मुझे तो इनका जो श्रृंगार है बहुत अच्छा, बहुत सुंदर किया हुआ है, लग रहे हैं जैसे साक्षात। और सभी टेम्पल इस तरह के हैं, आप लोग विजिट कर सकते हैं जाके, टेम्पल को भी रखा गया है। हर जगह भोलेनाथ, बोलिए हर हर महादेव। ये अमरनाथ ज्योतिर्लिंग, इसीलिए इनको गुफा के स्वरूप में गुफा बना के, देखिए छोटी सी गुफा प्रिपेयर की गई है और उनको बर्फ के ही बनाए गए हैं। बर्फ तो नहीं होगा वैसे, बट व्हाइट से इनको किया गया है पेंट। ये रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है, रामेश्वर, जय बाबा रामेश्वर। और यहाँ पर आ रही हैं साक्षी जी, देख सकते हैं आप लोगों की दीदी आ रही हैं भोलेनाथ के दर्शन करके। और ये रहे भोलेनाथ बैठे हुए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है ना। और हम आपको बताना चाहेंगे, हम दोनों ही, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये कौन सी नदी है मुन्नू, आप बताओ? तापी, तापी नदी है, मैं गूगल में देख चुकी हूं। और सबसे अच्छी बात, यहाँ जाने के लिए रास्ता भी है, बट हम लोगों के पास अभी टाइम नहीं है, नहीं तो हम तो नीचे चले जाते जाते बेटा। शाम होती मैं नहीं जाती, शाम होती तो मैं जरूर जाती। कितनी है कुछ वो तो बना हुआ नहीं, घाट वाट है नहीं, कहाँ बना हुआ है? अच्छा, घाट नहीं है कोई, घाट नहीं। ये तापी नदी है, गंदगी होगी। हाँ बेटा, ये तो होगी गंदगी, कोई नदी नहीं करता है, हम लोग करते हम नहीं करते। हाँ, हम तो अपना कचरा भी अपने बैग में रख लेते हैं कि घर में, मंदिर चलते। अब हम जा रहे हैं, ओम नमः शिवाय। मंदिर का नाम तो नहीं पता चल पा रहा है, गुजरात में, गुजराती में लिखा हुआ रहता है, मंदिर ही है। हाँ, ओम नमः शिवाय। ये भी मंदिर बहुत ही सुंदर है, साफ सुथरा। और यहाँ से भी तापी नदी, ये दिख रहा है। और एक मेन जो मुझे लगता है खास बात है कि प्रसाद नहीं चढ़ाने देते ना, जहाँ प्रसाद का सिस्टम नहीं होता वहाँ साफ सुथरा जरूर होता है। ये मुझे रिकॉर्ड कर रही है, अब इनको रिकॉर्ड किया जाए। इसमें कह रही है पाई धो दे छे कनी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु निधिः सर्वदा। ॐ जयन्ति मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा स्वाहा। नमस्तुते नमस्तुते। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव वन्दनं नित्यमोक्षेमामृता। फ्लैट क्यों है? क्या करो, कल्याण करो सभी का, और हमारा भी साथ में कह रही। बहुत सही, बहुत अच्छा।
तो ज्योतिर्लिंग जी के दर्शन हो गए हमारे महादेव जी के। अब यहाँ स्लीपर ले लेते हैं, उसके बाद इधर उधर आ जाइए। भागो, हमारे दर्शन हो चुके हैं डन। और दर्शन किए हमने महादेव के, देवों के देव महादेव के। ये देखिए देवों के देव महादेव, ये दिख नहीं रहा है कुछ भी इसीलिए। ओए होए होए होए, ये देखिए हमारी मुन्नु कितनी ये सुंदर लग रही है, पीले में बिल्कुल सरसों का फूल लग रही है। एक और बात मैं बताना चाहूंगी, हम दोनों अकेले आए, हम दोनों अकेले, लोगों को इतनी टेंशन होती है। हाँ सबको, सबसे ज्यादा तो ध्यान रखना बिल्कुल। एक बात बताइए, वुमेन्स डे पे तो बहुत वुमेन्स डे मनाया जाता है ना, कि ये वो वुमेन एम्पावरमेंट, बड़ी बड़ी बातें की जाती है। अपना अगर खुद ध्यान रख सकते हैं, हमें अकेले छोड़ेंगे तभी तो हम केयर करेंगे अपनी भाई। नहीं कि वुमेन्स डे पे इतनी सारी चीजें, वुमेन्स डे पूरे दिन सेलिब्रेट करो वुमेन्स डे, लेकिन दो लेडीज अगर अकेले घूमने आ गई है तो पूरी दुनिया को टेंशन हो जाती है। अकेले गए हो, ध्यान रखना अपना, ये करना वो करना, भाई ठीक है सेफ्टी जरूरी होती है, सबके पास अपना दिमाग है, सब खुद सेफ रह सकते हैं, लेकिन हमें क्या जरूरी है, एक दूसरे पे विश्वास करना जरूरी है ना। सही बात है, पे सबसे पहले विश्वास करना जरूरी है। हर जगह बुराई है तो अच्छाई भी है, कई जगह लोग अगर बुरे हैं उस तरीके के हैं कि लड़की को अलग नजर से देखते हैं, तो अच्छे भी आपके हेल्प करने वाले है ना। और वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ही यही होता है कि आप अपने खुद केपेबल हो, बिल्कुल खुद अकेले ट्रैवल कर, और जिसके साथ शंभूनाथ, उसको ये बात सही है कि कुछ गलत होने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन खुद तो भरोसा रहना चाहिए। बस 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 मैडम, बस ठीक है। और मम्मी के साथ है तो कोई टेंशन नहीं है, मम्मी अपने आप में ही मम्मी होती है। तो यहाँ पे दर्शन भी हो चुके और महादेव जी के, ऐसे हम फोटो ले सकते हैं, वैसे खड़े रहो लेते हैं। और टैनिंग हो जाएगी बहुत ज्यादा। और यहाँ पर जहाँ भोलेनाथ का जिक्र हो वहाँ पर राम जानकी की बात कैसे नहीं हो, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी प्रतिमा है राम जानकी की। सच में बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। ये यहाँ बहुत ही अच्छी शुभ लाभ, ऊपर भी रिद्धि सिद्धि है विराजमान गणपति के दोनों तरफ। बहुत ही अच्छा मंदिर है। यहाँ से मैं शिव जी को भी फिर से दिखाती हूँ, क्योंकि इनके तो मतलब देख के नजर ही नहीं भर रहा है ना मुन्नो। सच में बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।